हेलो फ्रेंड चलिए आज मैं आपको फिर से बताने वाली हूँ एक से छः महीने के लिए बेबी कैप तो ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और सुंदर सी कैप बताऊँगी तो जिसके लिए मैंने दो कलर लिए हैं पिंक और येलो आप अपनी पसंद के कोई भी कलर ले लें और देखिए वूल को मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है क्योंकि मेरी वूल थोड़ी पतली है इसलिए मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है आप अगर सिंगल ऊन से बनाना चाहती हैं तो सिंगल ऊन से भी बना सकती हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नौ नंबर सिलाई ली है क्योंकि मैंने ऊन फोल्ड कर ली है इसलिए मुझे नौ नंबर सिलाई ली है तो ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी तो चलिए हम अब बनाना शुरू करते हैं तो देखिए बनाने के लिए मैंने इसमें ये पचास फंदे डाले हुए हैं तो अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फंदे ले सकती हैं ये मैं आपको पचास फंदों में बना कर बताऊँगी तो चलिए हम बनाते हैं तो प्लीज़ बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये बेबी कैप कैसा लगा तो देखिए यहाँ पे हम फंदे डालने के बाद हम बेबी कैप उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाएंगे दोनों तरफ से हमारी उल्टी सिलाइयाँ ही बनाई बनाई जाएंगी तो इस तरह से हम इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे बहुत ही आसान है बनाने में और बन पहनने में भी बहुत ही प्यारी लगती है तो देखिए ये हम इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे अगर आपको इसी बड़ी बनानी है तो आप यहाँ पे ज़्यादा फंदे लेंगी ये मैं आपको पचास फंदों में बता रही हूँ एक साल के बच्चे के लिए आपको यहाँ पे सौ फंदे लेने होंगे तो ये यह हम यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइया तीन बनाएंगे तो ये यह हम यहाँ पे तीन सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे तो तीन सिलाइयाँ हमें येलो कलर से बनानी है यहाँ तो दोनों तरफ की हमारी छह छाइयाँ होंगी एक तरफ की तीन सिलाइयाँ तो दोनों तरफ की छह सिलाइयाँ तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ये मैंने एक सिलाई बना ली है हमें इसी तरह से दो सिलाइयाँ और बनानी है तो ये हमारी तीन सिलाइयाँ होंगी एक तरफ़ की तो दोनों तरफ़ की हमारी छः सिलाइयाँ तो चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर तीन सिलाइयाँ बना ली हैं तो देखिए एक ये एक सिलाई हमारी जिसमें हमने फंदे डाले थे और ये तीन सिलाइयाँ हमने बनाई हैं ये देखिए एक दो तीन अब देखिए हम इधर से अब पिंक कलर को लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम पिंक कलर को लगा लेते हैं तो देखिए हम पिंक कलर को लगा देते हैं तो यहाँ पे एक फंदा सॉरी पांच फंदे हम पिंक कलर से बनाएंगे उसके बाद देखिए हम पाँच फंदे येलो कलर से बनाएंगे तो इस तरह से हम पाँच पाँच फंदे यहाँ पे दोनों कलरों से बना लेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदे पिंक कलर के और फिर से हम येलो कलर से बनाएंगे पाँच फंदे तो ये वाला धागा यहाँ पे हम थोड़ा ढीला छोड़ेंगे जिससे ये हमारी डिज़ाइन खींचे नहीं दो तीन चार पाँच तो इस तरह से हम पांच पांच फंदे दोनों कलरों से बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पांच फिर से येलो कलर से एक दो तीन चार पांच तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच तो यहाँ पे हमें धागा ढीला करके ही बनाना है एक दो तीन चार पाँच फिर से येलो कलर से एक दो तीन चार पाँच फिर से पिंक कलर से एक दो तीन चार पाँच फिर से येलो कलर से एक दो तीन चार पाँच तो देखिए ये हमने पाँच पाँच करते हुए पूरी सिलाई को बना लिया है अब देखिए हम सीधी तरफ हैं तो सीधी तरफ से अब देखिए हमारा जो फंदा जैसा है हमें वैसा ही बनाना है तो इसी तरह से हम अब ऊपर की तरफ को बनाते हुए जाएंगे तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ ऊपर की तरफ को तो चलिए मैं आपको बना कर के इसे दिखाती हूँ तो कितना हमें ये इसे बनाना है तो चलिए मैं बना करके आपको दिखाती हूँ इसे तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे बना लिया है ऊपर की तरफ तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक बारह सिलाइयाँ बनाई हैं ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो ये हमारी यहाँ पे बारह सिलाइयाँ हैं यहाँ से यहाँ तक और ये तीन सिलाइयाँ हमारी बॉर्डर की हैं तो ये हमारी टोटल सिलाइयाँ यहाँ पे पंद्रह हो गई हैं अगर आपको छोटा लगे तो आप यहाँ पे इसी तरह से और भी सिलाइयाँ बना सकती हैं तो देखिए यहाँ पे हम अपनी यहाँ लंबाई लेने के बाद देखिए जितनी भी हमें लंबाई यहाँ पे रखनी है यहाँ से यहाँ तक उतनी हम यहाँ ले लेंगे और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे फंदे घटाना शुरू करेंगे ऊपर के लिए तो देखिए यहाँ पे हम दो फंदे एक साथ घटाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे उल्टा और दो फिर से दो फंदे धागा पीछे करेंगे और पिंक कलर का धागा आगे लेंगे और दो फंदे घटाएंगे और एक फंदा सादा बनाएंगे फिर से दो फंदे घटाएंगे धागा पीछे करेंगे येलो कलर का धागा आगे लेंगे और दो फंदे घटाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो फंदे घटाएंगे धागा पीछे पिंक कलर का धागा आगे दो फंदे घटाएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो फंदे घटाएंगे धागा पीछे करेंगे और देखिए दो फंदे घटाएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो फंदे घटाएंगे तो इसी तरह से हम यहाँ इस सिलाई को पूरा बना लेंगे यानी कि दो फंदे घटाएंगे एक फंदा हमें सादा उल्टा बनाना है फिर से दो फंदे तो इसी तरह से हम बना लेते हैं पूरी सिलाई को तो देखिए ये हमने सीधी सिलाई बना ली है दो फंदे घटाए एक फंदा उल्टा तो इस तरह से हमने पूरी सिलाई बना ली है अब हम देखिए उल्टी सिलाई पर हैं तो उल्टी तरफ से हमें जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाना है फंदे नहीं घटाने हैं हमें जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाना है पूरी सलाई को देखिए इस तरह से ये हम ऊपर के लिए बना रहे हैं तो इस सिलाई को भी हम इसी तरह से पूरा करेंगे जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाकर तो चलिए बना लेते हैं पूरी सिलाई को तो देखिए ये हमने पूरी सिलाई को बना लिया है अब हम सीधी सिलाई पर हैं तो सीधी सिलाई पर देखिए अब हम तीन तीन फंदे घटाएंगे एक साथ ये देखिए इस तरह से हम धागा पीछे करेंगे कलर का धागा लेंगे तो इस तरह से हमें तीन तीन करते हुए पूरी सिलाई को बनाना है तीन फंदे घटाए धागा पीछे किया देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को इसी तरीके से बनाना है तो देखिए हमने पूरी सिलाई को बना लिया है तो ये हमारे डिजाइन के एक एक फंदे रह गई हैं तो टोटल फंदे हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो ये हमारे टोटल फंदे यहाँ पे दस फंदे हैं अब देखिए इन्हें हम धागा कट करेंगे और सुई में धागा डाल लेंगे तो चलिए हम डाल लेते हैं सुई में धागा तो देखिए ये हमने सुई में धागा लगा लिया है अब देखिए इन सारे फंदों को हम सुई में डाल लेंगे देखिए इस तरह से तो ये हमने सारे फंदे सुई में डाल लिए हैं इस तरह से धागे को खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे हम खींच लेंगे इस तरह से अगर आपको इसमें पम्पम्प्स लगाना है तो आप अभी इसमें रख सकते हैं यहाँ पे बीच में तो देखिए मैं यहाँ पे बीच में रखूँगी देखिए ये हम इसे उल्टा कर लेंगे उल्टा करते हुए हम इसके बीच में देखिए इस तरह से पमपम्स बना बनाकर लगा देंगे और देखिए इसके बाद हम यहाँ पे इस वाले धागे में जो हमने इसमें लगाया था फंदे प्रोने के लिए उसमें इस तरह से हम डाल लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे इसे अच्छे से खींच लेंगे और देखिए इसके बाद हम यहाँ पे एक नोट लगाएंगे जिसे हमारा पम्प निकले नहीं अब देखिए हम इसे सिलेंगे यहाँ से यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे सिलाई अच्छे से लगाएंगे जिससे ये हमारे कैप निकले नहीं इस तरह से हम इसमें अच्छे से सिलाई लगा लेंगे तो देखिए ये मैं यहाँ से यहाँ तक लगा लेती हूँ सिलाई ये देखिए ये हमारी कैप बनकर तैयार है ये हमारे एक महीने से छः महीने के बेबी को बहुत ही आराम से आएगी तो प्लीज़ अगर आपको हमारी कैप पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैप कैसी लगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय